लोग बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों की देखिए हमारे पास कुछ तो जीवन है जो हमारा बायो बन रहा है। हमारे पास कुछ तो था, कुछ तो गरीबी थी, कुछ तो हमारे पास कहानियां हमारी अपनी है जिसपे बायो बन रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि वो बायो आए तो एक अलग इतिहास बनाए। मेरे तरफ से दिनेश भैया को और जो कर रहा है उसके लिए भी आप पर बने ऐसा आप चाहते हैं अगर प्रोजेक्ट आए तो? बिल्कुल ना, मैं चाहे वो दिनेश भैया का बायोपिक हो या हमारे रवि भैया का हो या मनोज भैया का हो या किसी का भी हो तो मैं जरूर करूँगा अगर मुझे समझ में आया। आजकल बहुत सारी कहानियां रियलिटी पे बॉलीवुड में बन रही है जैसे महाराणा प्रताप, बहुत सारी कहानियां हैं इंडस्ट्री भोजपुरी में भी बहुत सारी ऐसे शख्सियत है, बायोपिक पर क्यों नहीं काम होता सर? आप क्यों नहीं कभी प्रोड्यूसर को बोले कि देखिए ऐसा आज धीरे धीरे चीजें हो रही है। हमारी सिनेमा लंदन में शूट हो रही है आज के लिए, हम अभी बैंकॉक में संघर्ष टूट करके आए जो कि बीच समंदर में हमने फाइट की, कम से कम 32 तला ऊपर हेलीपैड में मैंने फाइट की, मैंने मार्केट में फाइट की, मैंने मार्केट में तो बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। आज हमारी भी सिनेमा बड़ी हो रही है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि बस आप लोगों को यही बोलना है भोजपुरी को अश्लील बोल बोल के। मैं समाप्त से निवेदन यही करूँगा कि आप लोग हमारे भाषा को बढ़ावा दीजिए, गलत एक ही आदमी करता है लेकिन पूरे लोग उसको, एक अच्छी चीज आती है तो 10 अच्छी चीज आती है तो कोई नहीं बोलता लेकिन एक बुरी चीज आती है तो 10 लोग उसको बुरा बनाने के लिए बोल बोल के उसको और गंदा कर देते हैं। तो मैं सब आपसे भी कहूँगा कि आप लोगों का दायित्व बनता है, समाज की आप लोग आईना है, तो जब हम अच्छी चीज भी करें तो उसको बढ़ा चढ़ा के आप लोग बोलना चाहिए ताकि लोगों को लगे जैसे नहीं भोजपुरी में बेहतर चीजें थी। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले यूराई जो एंटरटेनमेंट कंपनी है इसके प्रोड्यूसर सीईओ अभिषेक प्रसाद जी हैं जो कि लंदन से चल के इंडिया में, जो कि रहने वाले इंडिया के हैं लेकिन उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत सारा नाम कमाया है, बहुत सारा काम किया है। साथ ही साथ हमारी और उनकी जब मुलाकात हुई तो हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लेके आना चाह रहे थे तो हम काफ़ी एक साल से सर्च कर रहे थे और तो जैसे ही दिनेश जी एमपी बने तो एक बहुत ही खूबसूरत टाइटल बन के आया जब उन्होंने लोकसभा में बोला जय भारत जय भोजपुरी, तो उसके साथ लेते ही हमने भोजपुरी के लिए एक आगाज़ बनाई जिसे सब्जेक्ट को हमने चुना अभिनेता से राजनेता तक। तो उसमें दिनेश जी के साथ मैं भी बहुत सारी इस इंडस्ट्री के उनके ऊपर कहा जा सकता है बायोपिक भी है और सिनेमा को मद्देनज़र रखते हुए सिनेमा भी है। और साथ ही साथ फिर हमने कहा कि कुछ और बेहतर किया जाए तो हमारी कंपनी ने, हमारे प्रोड्यूसर ने चयन किया लाल बाबू पंडित को, खेसारी जी को लेके एक फिल्म सब्जेक्ट जो कि जल्द ही उसका अभी टाइटल कन्फर्म नहीं है इसीलिए टाइटल रिवील नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन नंबर 1 के नाम पे एक फिल्म बन रही है खेसारी जी को लेके जो कि नवंबर में, और उस बीच में हम दिनेश जी को लेके कर रहे हैं, बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस आज भोजपुरी के लिए कार्य कर रहा है। तो मैं फिर से कहूँगा जय भारत जय भोजपुरी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं राधा सिंह, मैं इस सभा, इस कह लीजिए मुहूर्त का मैं बहुत ही इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मुझे सर ने बताया था और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे सम्मिलित हो पाई। और बस यही कहूँगी कि मैं दिनेश जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ऑलरेडी और उनके साथ शेयर करने का मौका मिलेगा स्क्रीन और स्पेशली सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा मुझे यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। बड़ी 2-3 फिल्मों का मुहूर्त होने वाला है और साथ में जो प्रोग्राम होने वाला है, क्या कहेंगे उसके लिए? 3 फिल्म मुहूर्त प्लस अपना कंपनी की जो इनॉग्रेशन है तो सब गेट टुगेदर बहुत अच्छे से हमने किया है और हम नहीं लगता कोई कमी है और ऑल गेट टुगेदर गुड इशूज है। सर किस तरह की तैयारियां है तीनों फिल्मों को लेकर? तीनों फिल्म, वन मूवी तो वन फिल्म के ऑलरेडी 70% स्टार्ट होमवर्क ऑलरेडी डन एंड सेकेंड टू मूवीज ऑल्सो साइंट स्टोरी पर कम से मैं अभिनेता से राजनेता ये तो ऑलरेडी दिनेश लाल निरवा जी के साथ में ऑलरेडी डन इट से तो yesterday we made our another plan with Keshari Lalia to sign there and next plan hamara Marathi movies mein plans hai hamara ye nikhil ji hai sir mashmandar ji aur
नेक्स्ट मराठी नाम। ओके निखिल जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या है मराठी? और प्रसाद जी का जो फर्स्ट अभी इनॉग्रेशन जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद मेरे ख्याल से भोजपुरी मूवी के बाद एक मराठी मूवी बहुत बड़े अच्छे पैगाने पे, बहुत बड़े अच्छे मूर्त पे वो निकालने वाले हैं। उनको 3 दिन पहले ही उन्होंने मंदिर जी के साथ भी कुछ बात की थी, तो उसमें मराठी मूवी के लिए उनके पास चालू है। भोजपुरी का जैसे ही सक्सेसफुल हो जाए तो आगे चल के वो मराठी मूवी के लिए देखना चाहिए। तो पहले तो आप सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ, हर्षल जी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा आगे फॉरवर्ड किया है, उनके लिए बधाई है। मगर मैं आपको एक बात बहुत खास बताना चाहूँगा कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो किसी हिंदी इंडस्ट्री से कम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो फिल्म आप करने जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये बराबर चलेगी। बहुत इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और मीडिया वालों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग सारे आए हो और इसको अच्छे ढंग से प्रमोशन करो कि लोग बाग जल्द से जल्द ये फिल्म को देखने की कोशिश करें। गुड इवनिंग टू एवरी वन, मैं परीक्षा खान, मैं टेलीविजन इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे लिए एक बिल्कुल नया स्पॉट है, एक नई जगह है, नए लोग हैं, और उसके बीच में ऐसी जगह मिलना, इतना प्यार मिलना मेरे लिए मतलब आज का दिन बहुत बड़ा है। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे एक दूसरे फ्रेटर्निटी के बीच में सराहा गया, प्यार दिया गया, इज्जत दी गई। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट अभिषेक फॉर आई एम और मैं उन्हें से बधाई देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि वो और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं, ऐसे अच्छे अच्छे इवेंट्स रखें और हम लोगों को बुलाएं और इतनी इज्जत दें। एंड दैट्स इट, ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। बस यही कहूँगा कि आई एम रियली रियली एक्साइटेड, आई वाज रियली एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज़ आई वांट टू कांग्रेचुलेट अशोक प्रसाद जी।